हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जोन इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस 21 से 25 मई के हैं और जल्दी ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें और साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप वहां से गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सके आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें आपका पहला क्वेश्चन है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में बनने वाली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है तो इसमें आंसर आएगा महाराणा प्रताप के नाम पर या अगर आपका क्वेश्चन आए कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में किस जिले में बनेगी या किस शहर में बनेगी तो आपका आंसर आएगा करनाल में और साथ ही सरकार ने महाराणा प्रताप के बुरे समय में साथ ही रहे गाड़िया लुहारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दस हजार परिवारों का रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है तो इसमें आंसर आएगा निपा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है और यह वायरस चमगादड़ से फैलता है इन्हें फ्रूट बैट कहते हैं जब यह चमगादड़ किसी फल को खा लेते हैं और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खा लेता है तो संक्रमित हो जाता है निपा वायरस इंसानों के अलावा जानवरों को भी प्रभावित करता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है और जानवरों में भी फैलता है केरल में अब तक इसकी वजह से 12 जाने जा चुकी है और अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है और इसकी शुरुआत तेज सिर दर्द और फीवर से होती है और इसमें डेथ रेट लगभग सत्तर से ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा की 16 वर्षीय शिवांगी पाठक ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया शिवांगी पाठक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है तो इसमें आंसर आएगा शिवांगी पाठक हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है और वह ऐसा करने वाली भारत की सबसे युवा महिला बन गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पिता पुत्री जो हरियाणा के रहने वाले हैं वे कौन है तो इसमें आंसर आएगा वे हैं अजीत बजाज और उनकी 24 वर्षीय बेटी दिया बजाज और ये गुड़गांव के रहने वाले हैं इन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराया और एक साथ यह कारनामा करने वाले वे पहले पिता पुत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने फसलों के विविधीकरण प्रक्रिया के लिए किस देश के साथ समझौता किया है तो इसमें आंसर आएगा नीदरलैंड के साथ यह समझौता किया गया है भारत के लिए नीदरलैंड व्यापार मिशन के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित किसानों की आय दोगुनी करना व इंडो डच साझेदारी सेमिनार में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क राट और हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की उपस्थिति में ये समझौते हुए कृषि पशुपालन व डेयरी मत्स्य पालन बागवानी व फूलों की खेती में उन्नयन के लिए हरियाणा व नीदरलैंड अब मिलकर कार्य करेंगे और कृषि सेक्टर में सक्षम जल प्रबंधन खारे पानी का उपयोग उप जल निकासी व जल निकायों की पूर्ण स्थापना में पारस्परिक सहयोग किया जाएगा फसलों के अवशेषों को जलाने की प्रक्रिया को कम करने की दिशा में भी अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फूलों की मंडी स्थापित करने के लिए भी नीदरलैंड हरियाणा का सहयोग करेगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुँच सकें